मैं सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूं और उन्हें शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दोस्तों आज शिक्षक दिवस है, तो आज शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था, जिन्होंने अपने जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में बनाने के लिए प्रेरित किया लोगों को। तो तब से इनका जो जन्म है वो शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षकों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। और दोस्तों एक और हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भी अपना जन्मदिवस अपने लिए नहीं मनाया, उन्होंने बच्चों के लिए मनाया, वो बच्चों से ज़्यादा प्यार करते थे, प्रेम करते थे, तो उनका जन्मदिवस भी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो कौन प्रधानमंत्री थे आप ये हमें कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों क्या है कि हमारे लिए जो गुरु है, जो शिक्षक हैं, कोई भी हो सकते हैं, यानी कि हम जिनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो भाई बहन माँ बाप दोस्त शिक्षक, तो जिनसे हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते हैं वो हमारे लिए गुरु हैं। और अपने गुरु के लिए मैंने आज कुछ लाइनें कंपोज की थी जो बहुत ही सुंदर लाइनें हैं, आप सुनेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको वो लाइनें आपके आपके दिल को छू जाएंगी। तो दोस्तों एक शिक्षक जो है वो आपके लिए क्या करता है, तो मान लीजिए एक शिक्षक आपके लिए ये कह रहा है, ये जहाँ तेरे कदमों में बिछा दूँ, ये जहाँ तेरे कदमों में बिछा दूँ, तेरे टूटे सपनों को सजा दूँ। और ये आपकी माँ भी हो सकती हैं, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, आपके कोई भी शिक्षक बंधु कोई भी हो सकते हैं जो आपको कोई शिक्षा देते हैं, तो वो ये कह रहे हैं, आपकी माँ आपके भाई आपके गुरु क्या आपसे कहते हैं, ये जहाँ तेरे कदमों में बिछा दूँ, तेरे टूटे सपनों को सजा दूँ, तेरे ही लिए है ये मेरी जिंदगी, अब तो मेरे बच्चों तुम हो मेरी हर खुशी, हंसाए भी सुनाए भी महकाए भी, हंसाए भी सुनाए भी महकाए भी, तेरे ख्यालों की तेरे सवालों की फिक्र करता हूँ मैं, खुद को गिराने में तुझको उठाने का जिक्र करता हूँ मैं। देखिए एक शिक्षक एक गुरु आपके लिए क्या करता है, तेरे ख्यालों की तेरे सवालों की फिक्र करता हूँ मैं, खुद को गिराने में तुझको उठाने का जिक्र करता हूँ मैं। यानी कि एक शिक्षक एक गुरु मोमबत्ती के समान है जो खुद पिघल जाता है लेकिन आपको प्रकाश दे के जाता है। तो तेरे ख्यालों की तेरे सवालों की फिक्र करता हूँ मैं, खुद को गिराने में तुझको उठाने का जिक्र करता हूँ मैं, मेरी पनाहों में तेरे गुनाहों की माफ़ी है रवां, मेरी इबादत में तेरी वो चाहत में तेरी सफलता बयां, तेरी जिंदगी से महके मेरी जिंदगी, अब तो मेरे बच्चों तुम हो मेरी हर खुशी, हंसाए भी सुनाए भी महकाए भी, हंसाए भी सुनाए भी महकाए भी, गुरुजी गुरुजी गुरुजी।
ऐसे होते हैं हमारे गुरु, तो गुरु के लिए हमारे गुरु कोई भी हो सकते हैं, माँ बाप भाई जो भी हमें सिखाते हैं वो हमारे गुरु हैं, तो गुरु के लिए एक लाइक तो बनता है। और इस वीडियो को अपने गुरु के खातिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं काफ़ी दिनों के बाद आ पाया हूँ, और अब कंटिन्यू आपकी क्लासेस मैं लूँगा, और जितने भी आपकी जो वैकेंसी निकल रही हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।